जा जा। इधर से बात ही नहीं हो रहा है, हो रहा है। ये ड्राइवर बहुत जोरदार चला रहा है, हम मुझे दो बार नीचे पटका दिया था। डे टू है आज कश्मीर में और हम श्रीनगर से अभी गुलमर्ग जा रहे हैं। सो गुलमर्ग जाने के रास्ते में हम टंगमा का हैं। अभी इधर मामूली सा स्नोफॉल पड़ रहा है। गुलमर्ग श्रीनगर से आपको गुलमर्ग आने के लिए लगभग 40-50 किलोमीटर्स है। इट टेक्स अबाउट 2 hours टू कम। अभी इधर से हम गाड़ी चेंज करना पड़ेगा, या तो फिर आप ATV लेके द्रंग जा सकते हैं, द्रंग फॉल्स, या तो फिर आप शेयरिंग की गाड़ी लेके जा सकते हैं। वो अभी हम ब्रेकफास्ट करेंगे, ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं आपको बोलता हूँ कैसे जाना है। तो अभी मैं ब्रेकफास्ट करने के लिए इधर पाइन व्यू रेस्टोरेंट पे आया हूँ, तो अभी इधर चल के ब्रेकफास्ट करेंगे। अभी हम ATV से जा रहे हैं द्रंग फॉल्स के लिए, और द्रंग जाने हैं तो 2-3 पैकेजेस के हिसाब से वो चार्जेस लेते हैं, लाइक 5000 है, 3000 है, 2500 है। लेकिन वो जो मेनू में जो पैकेजेस बता रहे हैं वो उस भाव से चलते नहीं हैं। आप डायरेक्टली बात कीजिए, आपको अच्छा डिस्काउंट भी देते हैं। अभी मैंने ATV लिया हूँ, 2 प्लेस के लिए लिया था, और उसके लिए उन्होंने 17 चार्ज किया है उनसे 1 ATV का। अभी हम द्रंग जा रहे हैं और आपको मैं व्यू बताता हूँ अभी इधर का। अभी इस मामूली सा स्नो पड़ रहा है इधर। ये देखिए व्यू, देखिए कैसा इधर। ये देखिए पीछे लड़का आ रहा है। ATV राइड ले लीजिए, मजा आ जाता चलाने में। आपको चलाने भी देते हैं, थोड़ी दूर के लिए दे देंगे, अंदर ही दे देते हैं। तंगमा से द्रंग जाने के लिए जस्ट 2 किलोमीटर ही है, ज्यादा दूर भी नहीं है। वो व्यू पॉइंट रुकेंगे ना, व्यू पॉइंट। जी सर, व्यू पॉइंट, व्यू पॉइंट। ओके ओके। हाँ, इधर स्नोफॉल नहीं देखा, यही स्नोफॉल देख रहा हूँ। ये द्रंगमा जाने का रास्ता है, और द्रंगमा जाने के रास्ते में ये व्यू पॉइंट आता है। ये व्यू पॉइंट पूरा लैंडस्केप भी बदल गया है, और मामूली स्नो भी हो रहा है। इस तरफ से द्रंग फॉल जाना है। अभी हम द्रंग फॉल भी जाएंगे। हम ये ATV शहर के हैं। ये देखिए 3 ATV इधर खड़े हैं। हेलो भैया। हेलो, हेलो, हाय, हाय। और इनके ड्राइवर्स है, ये हमको चलाने भी देंगे। चलाने नहीं देगा, थोड़ी बहुत तो देंगे ना, वीडियो के लिए तो देंगे ना। चलिए अभी द्रंग चलते हैं। ये द्रंग वाटरफॉल पूरा फ्रीज नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा फ्रीज हो गया पूरा। व्यू देखिए कैसा दिख रहा है, एकदम जबरदस्त दिख रहा है। एक्चुअली ये एक नेचुरल वाटरफॉल नहीं है, एक आर्टिफिशियल वाटरफॉल है। जो ऊपर आपको दिख रहा है वो हाइड्रो पावर प्लांट है, उसका वाटर एग्जिट चैनल ही ये वाटरफॉल जैसा हो गया है। उसका वाटर एग्जिट चैनल ही है ये। अगर आपको आना है ना तो विंटर में आना है, समर में आने में कोई फ़ायदा नहीं है। विंटर में आएंगे तो आपका फ़ोटोशूट भी बहुत अच्छा होता है इधर। देखिए और थोड़ा आगे जाके बताता हूँ। चलो देखिए ये जगह, देखिए कैसा दिख रहा है। ये देखिए पूरा फ्रीज हो गया इधर। नीचे भी जा सकते हैं, नीचे भी जाएंगे अभी हम। जंग फॉल्स आना है तो विंटर में ही आना है, समर में आने में कोई मतलब ही नहीं है। भी जा सकते, नीचे जा सकते हैं ना, बहुत इजीली है, और व्यू भी नीचे से अच्छा अच्छा आता है। ठीक है जाएंगे। बहुत स्लिपरी है जगह नीचे आने में। दंगफल हो गया, अभी बोल ही नहीं पा रहा, इतना ठंडा इधर। सर हो गया शायद,
कितनी गर्मी है यहाँ पर। अभी धर्म होने के बाद अभी हम गुलमर्ग जाएंगे, अभी तंगमर्ग जाएंगे, उधर से गाड़ी लेंगे और गुलमर्ग के लिए निकलेंगे। तो अभी तंगमर्ग में मिलते हैं आपसे, इधर से बातें नहीं हो रहे हैं, हो रहा है बहुत मजेदार है चलाने में गाड़ी। ये फोग है ना, वरना यहाँ से आपको पूरी गुलमर्ग नजर आती है। गुलमर्ग आ गए, अच्छा गुलमर्ग का मेन बस स्टैंड है, अच्छा आपको फिर स्लीप गाड़ी लेनी थी, यहाँ पैदल वॉक करना था। अच्छा आपकी वजह से झूठ बोलना पड़ा क्योंकि टिकट है ना आपका 11:30, उस वजह से झूठ बोलना पड़ा, हो गया 12:40। बहुत भीड़ है गोंडला केबल कार के लिए, केबल राइड के लिए, देखिए कितना भीड़ है। बहुत क्राउड है, थोड़ा जल्दी आने से अच्छा होता है। जो आपका टाइमिंग का स्लॉट है उस टाइमिंग के स्लॉट के पहले आ जाइए, 1 to 1.5 hours पहले आ जाइए तो ठीक होता है। सही है, और फेज़ 2 भी बंद है तो पता नहीं क्या होगा, अभी आगे जाके देखते हैं क्या क्या करेंगे। या अभी हम गुलमर्ग गोंडोला केबल राइड पे कैबिन में बैठ रहे हैं, इधर पूरा मिस्ट दिख ही नहीं रहा है कुछ भी बाहर से, वही ट्राई कर रहे हैं कुछ देखने के लिए। सो फेज़ 1 में अभी, इससे बाद फेज़ 2 तो बंद हो गया है, फेज़ 2 अलाउ नहीं कर रहे हैं। टेम्परेचर बहुत वर्स्ट है, अभी हम नीचे उतर के आगे जाके बताएंगे आपको। बहुत हेवी स्नोफॉल हो रहा है इधर। ये देखिए ये फेज़ 1 का है, वो देखिए एक कैबिन आ रहा है, स्नो पड़ रहा है। अभी देखिए इधर फोटोग्राफर साथ चलेगा, नहीं नहीं वीडियो नहीं, ये देखिए ये फेज़ 1 का नज़ारा, स्नो है, वॉशरूम है और कैफे भी है इधर, मल्टी क्यूज़ीन रेस्टोरेंट। मौसम खराब है इसलिए सेकंड फेज बंद कर दिया। इधर भी ढाबा बहुत है और अच्छा ढंग का रेस्टोरेंट चाहिए आपको तो जो हम फेज 1 से उतरे थे ना नीचे वो रेस्टोरेंट ही है, जो नीट है, डिसेंट है और बड़ा रेस्टोरेंट है बट बहुत एक्सपेंसिव है। उधर सेंट्रल हीटिंग भी है, अगर आपके सस्ता में खाना है, चीप खाना है तो आप इधर आ सकते हैं। इधर बहुत सारे ढाबे हैं, ये देखिए इधर बहुत सारे ढाबे हैं, इधर सस्ता में हो जाएगा। अंदर बुखारी सिस्टम भी है, आपका थोड़ा हीटिंग भी मिलेगा उधर, तो इधर भी खा सकते हैं आप। अभी हम स्नो बाइक करेंगे, ये देखिए स्नो बाइक हो रहा है इधर, ये देखो स्नो बाइक है, स्नो बाइक का यूनियन का एक ही रेट है इधर, इसका फिक्स प्राइस ही है, आप खुद भी चला सकते हैं इधर। और जो ये दिख रहा है देखिए ये फेज़ 2 का है, और उसके बाजू में देखिए चार लिफ्ट दिख रहा है, वो ऊपर तक जाता है, स्कीय से तो आप चार लिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। फेज़ 2 फिलहाल बंद है, आज कल था आज बंद हो गया। ऊपर का टेम्परेचर बहुत ख़राब है, देखिए कैसा है ऊपर। एक राइट है यहाँ से, आप चाहिए एक लॉन्ग राइड है और एक शॉर्ट राइड है। गया अभी गाड़ी जैम हो गया।
ये देखो ड्राइवर निकाल रहा है अभी राइडर, ये देखो इसको देखो, ये भी फंस गया। देखिए इतना 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 पैर गया अंदर, इतना बर्फ है। देखिए मेरे चेहरे दिख ही नहीं रहे हैं। और ये है हमारा ड्राइवर और गाड़ी इधर है, दिख रहा है आपको, देखिए गाड़ी, ये 1000 रुपये का राइड हमने लिया था। ये ड्राइवर बहुत जोरदार चला रहा है, हम मुझे 2 बार नीचे पटका दिया था। मजा कर रहा हूँ। भाई गुलमर्ग तो बहुत जोरदार है, पूरा स्नो ही स्नो है। ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है स्नो में, पूरा इंडिया कवर कर दिया लेकिन स्नो अभी तक नहीं देखा, और लास्ट टूर में हमने स्नो एक्सप्लोर कर दिया। स्नो बाइक आए, गुलमर्ग आ रहे हैं तो स्नो बाइक कीजिए। 2 रूट्स है, एक शॉर्ट और एक लॉन्ग। 1000 रुपया लेते हैं शॉर्ट रूट का और 2000 लेते हैं लॉन्ग रूट का। ये जो है ये फिक्सड है, इसमें कोई चीटिंग नहीं होता है। इसके बाद हम दोबारा जाएंगे उधर, फिर और दूसरा क्या क्या एक्टिविटीज है हम देखेंगे, हो सके तो करेंगे भी। पूरा स्नो बाइक ही इधर, ये देखिए एक और बंदा आ रहा है रफ्तार पकड़ के। कावा है कितना है? अच्छा रहेगा, मुझे टेस्ट करना है पहले। इधर पे कश्मीरी कावा भी मिलता है और क्या मैगी भी है ना उधर। एक मिनट, अरे ये कश्मीरी कावा इधर शरबत वाला, शरबत वाला वो क्या होता है? शरबत है कश्मीरी मिक्स है। अच्छा कश्मीर का कावा पी रहा है, इसका ले रहा है। सर कैसा लगा आपको ये कश्मीरी कावा? बढ़िया है। ठंड कितनी है इस टाइम यहाँ पे, आपको क्या लग रहा है सर? कितना -5 -2 लग रहा है? -5 होगा या -2 होगा। इस टाइम स्नोफॉल भी हो रही है। स्नोफॉल हो रहा है क्योंकि स्नोफॉल के दिन आए यहाँ। हाँ बहुत लकी हूँ मैं तो, क्योंकि फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ। बहुत बार जाके देखा नहीं, सो फर्स्ट टाइम हो गया हमारा। हम चेन्नई से। हर किसी को वो अकेला चलाने नहीं देता है, अगर आप उन्हें कटिंग देंगे ना तो आपको अकेला चलाने भी दे देगा। मैंने उनको 70 रुपये दिया था और रिटर्न आने के वक्त ही मैंने चलाया था, और जहाँ बेस है उससे थोड़ा पहले रोक देता है और उसका पैसा दे दीजिए, फिर वो चला के आपको बेस तक लेके चला जाएगा। That is looking awesome. Full white, huh? You want a snow? You want more? Yeah, I want more. इनके तो आस कभी पूरी नहीं होगी। गाइड लेने में आपका फायदा भी होता है, तंगमा से आप एक गाइड ले लीजिए। गाइड 700 रुपया लेता है, और हमारा रिटर्न आने में गोंडाला राइड में थोड़ा लेट हो गया था तो गाइड ने हमें हेल्प किया और हमें आगे लेके गया और कैबिन पे बैठा दिया था। तो कैबिन में बैठ के हम जट से शाम 5:30 तक हमारे कैब तक आ गए थे और फिर हम होटल रीच हो गए थे। ये जो होटल है इसका नाम है ज़ाहिर कॉन्टिनेंटल है, हमने इधर ही रूम लिया है। और ये जो नज़ारा है अभी ऐसा ही है, स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रहा है इधर। अभी हम ऊपर जाएंगे, आपको मैं रेस्टोरेंट बताता हूँ, रूम बताता हूँ, उसके बाद इधर एक फेमस रेस्टोरेंट है हम उधर जाएंगे। हमने ऑलरेडी चेक इन कर दिया हूँ,
आपको बताने के लिए मैं बाहर से अभी अंदर आ रहा हूँ। मैं रूम के बाद तो देखो स्नो इतना है यार। अभी का इधर का टेम्परेचर भी थोड़ा -5 चल रहा है इधर। अभी मैंने माइक यूज नहीं किया है क्योंकि माइक पूरा बैटरी डाउन हो गया है। हो सके तो मैं बैकग्राउंड में बोलूंगा इस वीडियो में। ये होटल पूरा सेंट्रलाइज्ड है, ऐसे ऐसे हीटर्स लगे हुए हैं इधर। अभी इस होटल का सर्विस कैसा है मैं आपको कल बोलूंगा। ये हमारा रूम है 202। ये हमारा रूम, एक एक्स्ट्रा बेड भी हमने दिया है आपको। मैं बाथरूम बताता हूँ पहले, और एक्स्ट्रा बेड में हीटिंग भी है। ये क्या बाथरूम? और सबसे बड़ी बात तो हमको ये भी मिला है। और इधर हीटर है, इस जगह पे हीटर भी है, यानी कि हीटर इधर लगा हुआ है। और गाड़ी में भी हीटिंग है, इसे इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट है, ये देखिए वायरिंग दिया हुआ है, ये लगा हुआ है इधर, उसमें भी है। और अलग एक्स्ट्रा बेड दिया, उसमें भी है। रूम थोड़ा छोटा है लेकिन ओके, अच्छा है, नीट है, बेड काफी बड़ा है 3 जन के लिए। और गरम भी है। और व्यू देखिए कैसा है इधर से, स्नो स्टॉर्म आने वाला। ओह माय गॉड, वो देखो वो देखो, ओपेड व्यू भी अच्छा है। एयर रूम हमें मिला है, देखिए कॉर्नर में कुछ गिर रहा है। एयर रूम हमें मिला है विद एक्स्ट्रा बेड फॉर 4 पर्संस विदाउट ब्रेकफास्ट एंड विदाउट डिनर। हमको मिला है 9000 में मिला है, नेट 9000 में मिला है। गुलमर्ग में ऑलमोस्ट सब होटल्स एक्सपेंसिव ही है। अगर आप डे टूर कर रहे हैं तो बेटर आप डे टूर ही करें। अगर आपका एक दिन में अगर आपका एक्सप्लोर पूरा खत्म हो जाता है तो आप बैक श्रीनगर जा सकते हैं, दैट इज श्रीनगर टू गुलमर्ग, गुलमर्ग टू श्रीनगर, डे टूर ही ठीक रहता है। अगर आपको इधर नाइट स्टे करना, नाइट में तो कुछ हो तो बाहर जा ही नहीं सकते। और स्नोफॉल रोज तो होता नहीं है, हमारा लक का आज है कि आज स्नोफॉल कंटिन्यूसली हो रहा है। पूरा गिरा। ये देखिए, ओ माय गॉड, पूरा। ये देखिए कैसे हो रहा है, देखिए स्नो पूरा क्लियर है। और जोर से हवा भी जोर से मार रहा है इधर, पूरा स्नो गिर रहा है ऊपर से। आपको ग्लास तो खुलता नहीं है, लेकिन मैं बताता आपको। नहीं ये शायद खुल, नहीं ये भी नहीं खुलता है क्या? खुलता अंदर का खुलता है क्या? ये खुलता है, जल्दी खोलो यार। हाँ खुलता है। और बाहर कुछ इधर से खुलता है। और देखो वाओ माय गॉड, उसके बाद आप डे टूर करेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर आपको अगर नाइट स्टे तक करना है तो कर सकते हैं, प्री बुक करना ठीक है। वॉक इन करेंगे तो थोड़ा मुश्किल ये मिलता नहीं है। अभी हम इधर थोड़ी दूर रेस्ट करेंगे, उसके बाद इधर जो फेमस रेस्टोरेंट हमने बोला, मैंने बोला था वो रेस्टोरेंट हम जाएंगे। सो वी विल गो इन नेक्स्ट इन 1 आवर। वो रेस्टोरेंट बहुत फेमस है इधर, तो उस रेस्टोरेंट में हम आपसे मिलेंगे। अभी 7 PM हुआ है और अभी हम डिनर करने जा रहे हैं। हमारे होटल से एक वॉकेबल है जस्ट 1 किलोमीटर, बख्शी रेस्टोरेंट, गुलमर्ग का थोड़ा फेमस रेस्टोरेंट है और प्योर रेस्टोरेंट है, प्योर वेजिटेरियन है। बात नहीं कर पा रहे हैं, बहुत ठंड लग रहा है। सो अभी हम उधर जा रहे हैं। अभी देखिए 7 PM हो रहा है और व्यू देखिए, आपको व्यू दिख रहा है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए पूरा स्नोफॉल अभी भी हो रहा है। ये देखिए एक गिर गया नीचे, ये पिसल गया नीचे। और ये वाला जो रेस्टोरेंट है ये आपको दिख रहा है, ये वाला विंटेज है, विंटेज रेस्टोरेंट है। और वो अफरवत है, चलिए और थोड़ा वॉक करना है। बम गया, क्या हुआ, लगा? अच्छा या बख्शी रेस्टोरेंट आगे है, जस्ट वॉकेबल ही था।
ये देखिए आपको मैं बताता हूँ, ये है बख्शी रेस्टोरेंट और हमारा होटल है। ओ वाला ओ दिख रहा है आपको, ओ लाइट लग रहा है, देखिए लाइट के ओ पीछे वाला, ओ छोटा वाला दिख रहा है, वही है बस। और इधर देखिए एक गाड़ी फंस गई है इधर, देखिए गाड़ी इधर फंस गया है। ये 2x4 2x2 दिख रहा है, 4x4 नहीं है, ये गाड़ी इधर फंस गया है। बहुत प्रॉब्लम है, चेन भी लगा है, फंस गया है। अगर आप खुद की गाड़ी लेके आ रहे हैं तो महिंद्रा थार सजेस्ट करूँगा, वो भी चेंज लगा के इधर आना है, दूसरी गाड़ी तो लेना ही नहीं है कुछ भी, सब गाड़ी फंसते है। मैंने बहुत गाड़ी देखा, सुजुकी की गाड़ी सब देखा, सब गाड़ी फंस गया था, मारुति का सब, वो सब लेके आ रहे हैं, अमेजिंग। ठीक है अभी चलिए रेस्टोरेंट चलते अंदर और मेनू बताता हूँ मैं आपको क्या है खाने के लिए। जी हम पक्षी रेस्टोरेंट में आ गए और मैंने मंगाया है इधर का कश्मीरी पुलाव, बहुत फेमस है वो, आप ट्राई करिए, ये कश्मीरी पुलाव है। और रोटी पनीर बटर मसाला और जो स्वीट है ये भी बहुत फेमस है, फिरनी बोलते हैं इसको। एंड ये तो अच्छा है ना, अभी इसको हम कंप्लीट कर देते हैं फिर बात करते हैं आपसे। बख्शी रेस्टोरेंट में खाना अच्छा था, लेकिन बख्शी रेस्टोरेंट पहले वेजिटेरियन था, अभी नॉन वेज कर दिया उन्होंने, करके 3 साल हो गया है, सो दिस इज़ नॉट प्योर वेजिटेरियन। अगर आपको प्योर वेजिटेरियन चाहिए तो इधर और भी 2-3 रेस्टोरेंट्स है, एक है धारा पानी, एक है बख्शी, एक है विष्णु ढाबा और एक और है पंडित ढाबा, ये तीनों इधर बाजू बाजू में ही है। आपको प्योर वेजिटेरियन चाहिए तो वो ट्राई कर सकते हैं, मिक्स चाहिए तो बख्शी रेस्टोरेंट आप ट्राई कर सकते हैं। तो अभी आज का ब्लॉग हम इधर ही एंड कर देते हैं, आपको अगर आपको और भी कुछ डाउट्स हुआ तो कमेंट कर दीजिए, मैं आपको जितना जल्दी हो सके रिप्लाई करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो थैंक्स बटन क्लिक कीजिए और सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप भी ज्वाइन कीजिए, आपको स्पेशल एक्सेस मिलेगा। ओके बाय बाय, कल मिलूँगा आपसे एक नए वीडियो में, बाय बाय। बख्शी में खाना खाने के बाद रात को 9 बज गया था, बहुत ठंड पड़ गया था, फिर भी हम रात को अच्छा बर्फ़ में मज़ा करते थे और आराम से पैदल चलते थे। फिर थोड़ी दूर के बाद कंट्रोल नहीं हुआ, फिर भागना शुरू कर दिया हमने, फिर रात को हम 9:30 तक होटल पहुंच गए थे।